Let's make some yummy savory red velvet cupcakes. Okay, so let's begin. हम लेंगे एक बड़ा बोल, उसमें हम डालेंगे सबसे पहले some yummy yummy butter और उसे beat कर लेंगे with the help of a egg beater. चलिए, let's beat the butter. अब इसमें हम डालेंगे दही. इसमें भी अंडा नहीं पड़ रहा है. And yet we are going to have yummy cupcakes. Of course, ये savory version बन रहा है, नमकीन version. क्योंकि you know मैंने देखा है कि festivals में मीठे का overdose हो जाता है. Somehow सबको लगता है कि अरे भाई कोई festival है तो सब कुछ मीठा ही होना चाहिए. क्यों मीठा होना चाहिए? कुछ tasty होना चाहिए, yummy होना चाहिए. But not always मीठा है ना. अब मैंने इसमें दही डाल दिया है and we are going to beat it nicely. अब इसमें मैं रेड वेलवेट है तो रेड कलर चाहिए तो क्या डालेंगे? आर्टिफिशियल कलर नहीं, फ्रेश बीटरूट जूस. वाओ, लुक एट द कलर. इसमें हम डालेंगे छान के मैदा, उसके साथ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एंड नमक. नमक क्यों? क्योंकि हम सेवरी कपकेक्स बना रहे हैं. तो इसे हम छान के इसमें डाल लेंगे. फिर एक स्पैटुला के हेल्प से इसे हम इस बैटर में फोल्ड कर देंगे. ओके, चलिए, परफेक्ट. ये हमारा बैटर तैयार हो गया है. अब हम लेंगे एक पाइपिंग बैग और उसमें इस बैटर को फिल कर लेंगे. स्निप कर देंगे. We're gonna take a baking tray. अब ये सिलिकॉन मोल्ड्स इसके ऊपर हम लगा देंगे and directly इसी के अंदर फिल कर लेंगे. Then I'm gonna take these underliners जो इस सिलिकॉन मोल्ड के अंदर हम लगाएंगे. अब जो ये हमने बैटर तैयार किया है उसे फिल कर देंगे इन कपकेक मोल्ड्स के अंदर. Tap these a little और अब इसे हम रख देंगे बेकिंग के लिए at 180 degrees for around 20 minutes. Let's make our icing. Usually red velvet cake के ऊपर cream icing जाती है, but क्योंकि हम savory बना रहे हैं इसलिए we are going to use feta cheese for the icing. क्योंकि feta cheese is salty, right? तो उसका nice salty taste आएगा because of the feta cheese and of course the creamy feel. Again, because of the cheese. Okay, इसे हम थोड़ा तोड़ देंगे so that जब हम whisk से इसे blend करेंगे तो आसानी होगी. And now we are going to add some fresh cream to this. अब हम लेंगे एक whisk, nice big whisk, and इसे हम अच्छी तरह से whisk कर लेंगे. ये icing बनाते बनाते मुझे एक बहुत helpful beauty tip याद आई है. So the tip is कि आप अगर नींबू को fresh cream के साथ मिला के अपने फेस पे अप्लाई करें, थोड़ी देर छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से अपना फेस धोएं, तो जो आपके फेस के हल्के हल्के blemishes होते हैं ना उसे निकालने में ये पैक हेल्प करता है. तो कंटिन्यूसली ट्राई करें. ट्राई इट वंस अ वीक और वंस इन टू वीक्स एंड यू विल सी अ नोटिसेबल चेंज. सो ट्राई इट. ऑलराइट, चलिए, अब ये आइसिंग तैयार हो गया. अब एक स्पैचुला के हेल्प से हम एक और पाइपिंग बैग लेंगे जिसपे मैंने ये नोजल लगाया है, द स्टार नोजल, क्योंकि इसके साथ हम करेंगे थोड़ी सी मस्ती एंड थोड़ा सा मैजिक. चलिए, अब ये भी तैयार हो गया है. ये मेरे कपकेक्स रेडी होके ठंडे हो गए हैं. अब इन्हें हम आसानी से सिलिकॉन मोल्ड से निकाल सकते हैं एंड देन हम इसके ऊपर लगाएंगे हमने जो आइसिंग प्रिपेयर की है, द यमी फेटा चीज आइसिंग. उसके साथ हम डेकोरेट करेंगे. आफ्टर ऑल व्हाट आर वी मेकिंग? वी आर मेकिंग कपकेक्स, राइट? सो लेट्स प्रेजेंट देम लाइक कपकेक्स. इन्हें हम प्लेट में सेट कर देंगे. लेट्स पुट दिस हियर बिकॉज़ मैं फटाफट सब कुछ अरेंज कर रही हूं. So that I'm ready beforehand, and here you go.
Our yummy savory red velvet cupcakes are ready. So chaliye aap dekhiye is recipe ka quick recap. See you soon. सेवरी रेड वेलवेट कपकेक्स बनाने के लिए अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें। एक बोल में मक्खन के लाइट होने तक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से फेटें। उसमें डालें दही और फिर से फेटें। फिर डालें बीटरूट जूस और फेटें। फिर मैदा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और नमक साथ में मक्खन के मिश्रण में छानें और अच्छे से मिलाकर एक स्मूथ बैटर बना लें। अब एक पाइपिंग बैग में बनाया हुआ बैटर भर दें। एक बेकिंग ट्रे पर अलग अलग सिलिकॉन मोल्ड्स रखें और उन्हें फैंसी अंडरलाइन से लाइन कर दें। फिर उन मोल्ड्स में 3/4 भरने तक बैटर पाइप करें और हल्के से थपथपाएं। फिर ट्रे को पहले से गर्म किए हुए अवन में रखें और 20 मिनट तक बेक करें। फिर अवन से निकालकर ठंडा होने दें। आइसिंग बनाने के लिए एक बोल में फेटा चीज लें, उसमें डालें क्रीम, अच्छे से मिला लें और स्मूथ होने तक फेटें। अब एक दूसरा पाइपिंग बैग जिसमें स्टार नोजल फिट हो उसमें आइसिंग भर दें। मफिन्स को मोल्ड में से निकालें और ऊपर आइसिंग पाइप करके परोसें।